देश में खरीदारी होते रहा। बंगाल के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में उनके एमएलए ने पत्रकारों को, बाहरी लोगों को एक मोहल्ले में ले जाके कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, आपको ले चलता हूं। ममता बनर्जी ने खुद कहा यहां से कोई घुसपैठिए बाहर नहीं जाएगा, यानी रोहिंग्या घुसपैठियों वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है और बंगाल में हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। हिंदू अब बंगाल में रहने लायक नहीं रह गए हैं क्योंकि ममता की सरकार में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं। अत्याचार मुस्लिम समाज के लोग वहां की सरकार सब कर रहा है और ममता बनर्जी केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सर, कांग्रेस शराबबंदी को खत्म करने के लिए कर रही है जो नए कानून, चूंकि शराब जितना फिगर बताया जा रहा है कांग्रेस आरोप लगा रही है। चलिए, ये मुख्यमंत्री तक सदन में उनको सवाल उठाएंगे, वो विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी यादव वो सोशल मीडिया पर आंदोलन करते हैं, बड़े अच्छे क्रांतिकारी आदमी हैं सोशल मीडिया पर, तो वो सदन में पूछेंगे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। अप्रैल और मई में चुनाव होना है बंगाल में, तो 292 सीट पर बंगाल में चुनाव होंगे, तो भाजपा के क्या रहेंगे सर? भाजपा 200 के पार बंगाल में होगा और बंगाल में अत्याचार के खिलाफ, तुष्टिकरण के नीति के खिलाफ, बंगाल में जो लोकतंत्र समाप्त हो गया है वहां एक तरह से डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वहां डिक्टेटरशिप चल रहा है और डिक्टेटर भी कोरिया के राष्ट्रपति जिम जोंग की तरह वहां व्यवहार किया जाता है। कोई पॉलिटिकल विरोधियों की हत्या कर दी जाती है, 200 से ऊपर हत्या हुई, चुने हुए प्रतिनिधियों की हत्या हुई, आवाज उठाने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस बार बंगाल में ममता का सफाया तय। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।